मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम से। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो खरीदी के लिए दुकान में जाते हैं मगर उनका मकसद ही कुछ और होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रुप बनाकर अक्सर दुकान में जाते हैं और पसंद करने के बहाने कीमती चीज़ें चुरा लेते हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मुंब्रा के सोनल ज्वेलर्स दुकान का, जहां दो महिलाएं सोने की बंगड़ी देखने के दौरान असली बंगड़ी हाथ में पहन ली और नकली बंगड़ी रख दी। अमृत नगर दरगाह रोड के पास सोनल ज्वेलर्स में दो नकाबपोश महिलाएँ इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। बड़ी ही चालाकी से एक महिला ने बंगड़ी देखती है और दूसरी महिला असली बंगड़ी पहन लेती है और नकली बंगड़ी रख देती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि महिलाएं कितनी शातिर हैं। हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं कि किस तरह से इन महिलाओं ने सोने की असली बंगड़ी पहन ली और नकली बंगड़ी उस जगह पर रख दी। ये 27 अप्रैल की बात है, शाम के करीब 6-7 बजे के करीब है। दो औरतें आई नकाब में पहन के, करीब दो बंगड़ी उन्होंने पहन के चले गए। 185,000 के करीब की बंगड़ी की टोटल कीमत है, शाम के 6-7 बजे के करीब की बात है। ये नकली बॉक्स को फुल करने के चक्कर में नकली बंगड़ी रख दी और असली पहन के चले गए। बंगड़ी 61.97 की वेट हुई, टोटल स्टॉक चेक किया और कीमत 1,85,000 की है। पुलिस स्टेशन में, मुमरा पुलिस चौकी में? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर पुलिस की इंक्वायरी हो रही है, रोज आ रहे पुलिस वाले, बता रहे किस तरह से हो रहा है, इस तरह से बात चल रही है। इस ज्वेलर्स दुकान के मालिक विनोद जैन ने बताया कि ये दोनों महिलाएं बड़ी ही चालाकी से असली बंगड़ी पहन ली और नकली रख दी, जिसकी दुकान में काम करने वाले वर्करों को जरा सा भी खबर नहीं हुई। इस बंगड़ी की कीमत 1,85,000 रुपये बताई जा रही है। विनोद जैन ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में इस घटना की शिकायत भी की है और पुलिस इस मामले की छानबीन भी कर रही है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद अब हर दुकानदार को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि दुकानों में ज़्यादातर चोरियां दुकानों में इसी तरह होती हैं। ऐसे दुकानदार को होशियार रहने की बेहद ज़रूरत है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।